ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपके साथ ऐसा हो कि जो भी चीज़ें आप मन में सोचें, जो भी मनोकामना अपने मन में करें वो पूरी हो जाए, तो ऐसा मंत्र है, ऐसे कुछ तरीके हैं जो आपके मन में जो सोचोगे वो चीज़ें आपके साथ होगी। लेकिन इन सभी मंत्रों के प्रयोग से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने में ठीक करनी होगी। सबसे पहला तरीका है कि कुछ भी हो जाए, खुद से कभी खुद की किसी अन्य से खुद की तुलना मत करना। अगर आप लोगों से खुद की तुलना करेंगे तो कभी भी आप जो मन में सोचोगे वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोगों में जब आप तुलना करेंगे तो खुद को कम ही आंकेंगे, और खुद को अगर ज़्यादा भी आंक लेंगे तो एक अलग विषय हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति से खुद की तुलना ना करें। दूसरा, नेगेटिविटी, नकारात्मक या जो भी लोग आपको नेगेटिव करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखें, क्योंकि हमारा मन वही चीज़ें सोचता है, हमारा मन वही चीज़ें हमारे जीवन के बारे में सोचता है जो लोग हमें देते हैं, बिना मांगे देते हैं, और वो है नकारात्मकता। तो नकारात्मक लोगों से और नकारात्मकता से दूर रहें, आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, ये तो उसकी दूसरी शर्त है। तीसरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसे अपने प्रयोग में जब भी लाएं तो इसमें अपनी मनोकामना को पहले ईश्वर के सामने रख दें कि हे ईश्वर, अपनी हमारी ये मनोकामना है और आप इसे पूर्ण करें। लेकिन बात यह है कि मनोकामना सकारात्मक होना चाहिए, किसी व्यक्ति या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होना चाहिए, तब ये चीज़ें कारगर नहीं होगी दोस्तों। तो मैं वो आपको बताऊँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। आपको करना यह है कि काले कपड़े में कोयले, खड़ा कोयला लें, और जो भी अपने घर के आसपास बहती नदी है उस नदी में अपनी मनोकामना को बोले कि हे ईश्वर, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें, और प्रवाहित आप कर सकते हैं। ये आप एक ही बार करें, जो भी आपके आसपास बड़ी नदी हो, महानदी हो, जो भी नदी हो उसमें आप करें, और पीछे मुड़कर ना देखें, एक बार करें। इसके प्रभाव आपकी मनोकामना पे इसका लगभग बहुत कम से कम समय में इसे करने के बाद प्रभाव होगा। लेकिन जो तीन पहले शर्तें मैंने बताई है, इन्हें अपने जीवन में फॉलो करना होगा, तब जाके चीज़ें सही होगी। ओम नमः शिवाय।